हमारे लिए आज की अंजील मुक़दस मुकदस, मुकदस यूहना की अंजील दस बाब सताईस से तीस आज तक मेरी बेड़े मेरी सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शूँगा और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता मैं और मेरा बाप एक हैं पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो खुदा का शुक्र हो बाप बेटे और रुर्कद के नाम से आमिन मैं फादर खालिद रशीदासी हॉली रोजरी मदीना टाउन फैसलाबाद से बोल रहा हूँ आप सब पर सलामती हो आज पास का चौथा इतवार है खुदाम आज हमें अपनी बुलाहट के बारे में सोचने की दावत देता है हमें आज कैथलिक चर्च अच्छे चरवाहे का और बुलाहट का इतवार बना रही है आज युना की अंजील में अच्छे चरवाहे का करदार जो बताया गया है वो पुराने अहदनामे के तनाजर में देखा जा सकता है खुदाम यसु अच्छा चरवाहा है अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है वो अपने भीड़ों की फ़िक्र करता है उनसे मोहब्बत करता है उन्हें रात की नदियों के करीब ले जाता है वो उनके जख्मों पर मरहम लगाता है वो एक गुम हो जाए तो नानी में छोड़कर उनके पीछे भागता है खुदामंद का तस्वर वही है जो दौद की नस्ल में चरवाहों का था हमारा यसु अच्छा चरवाहा है आज बलाहटों का इतवार है खुदामद हमें दावत देता है कि हम अपनी अपनी बुलाहट पर सोचें हर इंसान की अपनी एक बलाहट खास मकसद के लिए जाती तौर पे खुदा ने बुलाया है जिस तरह वो इब्राहिम को बुलाता है मूसा को बुलाता है सेमविल को बुलाता है अम्बिया को बुलाता है मकदसमरीम को बुलाता है शागिरदों को बुलाता है वो मकदसपालोसूल को बुलाता है हम सबों को बुलाता है खुदा हमें यह ता करता है हम अपनी बुलाहट को जान कर, समझ कर एक अच्छी चरवाही की तरह खदमत के लिए अपने आप को पेश करें अच्छा चरवाहा होना खिदमत करना है और ये एक बलाहट है और ये खिदमत हर एक के लिए है एक ही घर में रहने वाले अफराद बहुत सी बुलाहटों को अपने घर में रखते हैं एक छत के नीचे बहुत सी बलाहटे हैं ये एक छोटा बाग बुलाहटों से भरा हुआ है और एक दूसरे की तकमील करते हैं जिसमें बाप की बलाहट लहदा है माँ एक ख़ास बुलाहट रखती है बहन एक ख़ास बुलाहट रखती है भाई एक ख़ास बुलाहट रखता है बेटा एक ख़ास बुलाहट रखता है इन बुलाहटों को बुलाकर खुदाम खुदा हमें एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ और नेक होने के लिए बुलाता है हमारी बुलाहट नेक होने के लिए मुकदस होने के लिए बरगजीदा होने के लिए हम खुदामंद की कहानत में शराकत करते हैं चाहे हम काहिन हैं आम मोमन है हम खुदा की उस कहानत में शराकत करते हैं हम सबों को ख़िदमत के लिए बुलाया गया है मोहब्बत करने के लिए बुलाया गया है सेंट कैथरीन ऑफ सियाना कहती है हमें अपने अपने बुलाहट को पहचानना है किस मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं उस मकसद को अदा करना है हमें पोप जॉन पालतूम कदस याद दिलाता है कि खुदा ने हमें मोहब्बत के लिए बुलाया है और इस मोहब्बत को अदा करना है इस महबत को सामने रखना है ये हमारी ख़ास बुलाहट में महब्बत वफादारी एहद को निभाना अपने आप को पहचानना दूसरों की खिदमत करना है आज हम माओ का दिन मना रहे हैं माँ का दिन हमें याद दिलाता है कि एक माँ घर में किस तरह अच्छे चढ़ाए का करदार अदा कर सकती है और करती है अपने बच्चों की फिक्र करती है वो उनके खाने पीने की फिक्र करती है वो उनके जख्मों पर मरहम लगाती है वो एक भाग जाए तो उसके पीछे भागती है और घर में माँ की और खुदावंत की खिदमत जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अच्छी निगाहों से देखे जाते हैं और ये माँ के रुतबे को जो मुकस्सा मरियम ने दर्जा दिया है वो सबसे आला है ये ख़ानदान में माँ किस तरह वफादार रहती है माँ किस तरह खिदमत करती है माँ किस तरह अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती है वो उनसे कैसी मोहब्बत करती है और उनकी कैसे फिक्र करती है आज माओं का दिन बलाहटों का दिन और अच्छे च्च चरवाहे का दिन हमारे लिए एक ख़ास बुलाहट और एक ख़ास पैगाम लेके आया है कि हम इस माशरे को महजब बनाने के लिए इस मुशरे को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे को देखें एक दूसरे की फ़िक्र करें और यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें जुमादारियाँ दी जाती हैं वो अपनी अपनी जुम्मेदारी को देखें अपने फ़र्ज़ को नभाएँ और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करें अच्छा चरवाहा हर कोई है हर किसी को अच्छा चरवाहा होने के लिए बुलाया गया है हर कोई खिदमत के लिए बुलाया गया है तो इसलिए काहनों पर जो यसु की तरह एक खास बुलाहट रखते हैं उन पर ज्यादा फर्ज है कि आज काहिन अपनी बुलाहट को पहचाने जो मजहबी जमातों से तलक रखने वाले हजरत हैं वो अपने आप को पहचाने अपने अहद को पहचाने और इस मोहब्बत में कायम रहें खाद आप सबको इस मोहब्बत को पहचानने के लिए माओ के दिन को मनाने के लिए अच्छे चरवाहे के दिन को मनाने के लिए और अपनी बलाहटों को मनाने के लिए अपनी खुशियों से भर दे आप सबको आज का दिन मुबारक हो आप सबका शुक्रिया